ये देखें, देख सकते हैं यहाँ से ये वाला पार्ट अलग हो चुका है। ये देखें, तो ये देखें, ये रॉड बड़ी आसानी से निकल जाती है। हमने इस पार्ट को भी इस तरह से निकाल देना है। अब जो ये वाला पार्ट है तो ये पार्ट भी हमने इस तरह से अलग निकाल देना है। ये देखें, तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हमने आपको बताया है अगर आपकी सिलाई मशीन बार बार धागा तोड़ती है, या आपकी मशीन टाप करती है यानी कि टाका छोड़कर चलती है, या आपकी मशीन लच्छा देती है या दाना देती है, यानी कि अगर आपकी सिलाई में कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी सिलाई सही नहीं आ रही है, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज का वीडियो देखने के बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। और कभी कभी एक प्रॉब्लम ये भी होती है जब हम निडल में धागा डाल देते हैं यानी कि सुई में धागा डालते हैं, और जब हम बॉबिन का धागा ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं तो नीचे का धागा ऊपर भी नहीं आ पाता है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज के वीडियो में इन्हीं सारी प्रॉब्लम का सॉल्व है। और ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको शटल की टाइमिंग मिलाना बताया है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस वाली प्लेट को खोलना है, उसके बाद हमने ये दोनों स्क्रू भी खोल देना है। फिर हमने प्रेशर फूड भी खोल देना है। फिर उसके बाद हमने मशीन के तीथ भी खोल देना है। ये जो मशीन के दांत होते हैं हमने इनको भी अलग कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर दो स्क्रू दिए गए हैं, हमने इन स्क्रू को भी खोल देना है। दोस्तों जब तक आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिलाई मशीन से रिलेटेड ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। उसके बाद हमने शटल भी खोल देना है। ये देखें, फिर उसके बाद हमने 10-11 नंबर की चाबी लेना है और हमने 11 नंबर वाली साइड से यहां पर लगाना है। जो ये वाला नट दिया गया है हमने इस नट को खोलना है, फिर हमने इस तरह से चाबी को ऊपर उठाना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से नट खोलेंगे। अब हमने इस नट को अलग कर देना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहां से पेच कस लगाना है और हमने इस पेच को इस तरह से खोलना है। ये देखें आप देख सकते हैं यहाँ से ये वाला पार्ट अलग हो चुका है। फिर उसके बाद हमने इस वाली रॉड को अलग निकालना है, यानी कि यहाँ से इस रॉड को हमने निकाल देना है। तो हमने इस रॉड को किस तरह से निकालना है वो समझिए, देख सकते हैं इस तरह से ये फ्री हो चुका है। तो होता क्या है, किसी किसी मशीन में यहाँ पर पिन लगी होती है, तो हमने क्या करना होता है, उस पिन के ऊपर इस तरह से डाई को रखना होता है और हमने इस तरह से हथौड़ी मारकर पिन बाहर निकाल देना होती है। और कुछ पिन ऐसी भी होती हैं जो यहाँ से उठी हुई होती हैं और दूसरी साइड में इसका होल नहीं होता है, तो उसको हम प्लास से निकाल सकते हैं, ठीक है, और किसी मशीन में पिन नहीं लगी होती है। उसके बाद हमने ये सरिया किस तरह से निकालना है वो समझ लीजिए, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो अब हमने इस पार्ट को इस तरह से ऊपर कर देना है, और जो ये वाली जगह है ना, तो हमने क्या करना है, यहाँ के लिए डाई लेना है और हमने डाई यहाँ लगाना है इस तरह से। आप एक बार देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर डाई लगा देना है। डाई लगाने के बाद अब हमने यहाँ से हथौड़ी मारना है। ये देखें, ये रॉड इस तरह से आगे को जा रही है। ये देखिए रॉड कितनी आसानी से निकल चुकी है। ये देखें, तो ये देखें, ये रॉड बड़ी आसानी से निकल जाती है। अब आप देख सकते हैं ये रॉड को हमने अलग निकाल दिया है। फिर उसके बाद जो ये वाला पार्ट है हमने इस पार्ट को भी इस तरह से निकाल देना है। ये देखें, उसके बाद जो ये वाला पार्ट हिल रहा है इस पार्ट को भी हमने अलग निकालना है। तो यहाँ पर ये जो नट दिया गया है हमने इस नट को खोलना है। यहाँ पर हमने 14 नंबर वाली साइड लगानी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से पेचकस लगाना है इस तरह से और हमने इस तरह से खोल देना है। ये देखिए, अब जो ये वाला पार्ट है तो ये पार्ट भी हमने इस तरह से अलग निकाल देना है। ये देखें, इस पार्ट को भी निकाल दिया हमने। पहले हमने ये जो गोली होती है इसकी सफाई कर देना है यहाँ से, और इसमें जो होल है ना, इस होल की भी सफाई करना है हमने। तो ये पार्ट कुछ इस तरह से लगा होता है। ये देखें, ये गोली इस तरह से इसमें ऊपर नीचे होती है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब यहाँ पर आपने चेक करना होगा लम्बदा और गोली के बीच में यहाँ पर कोई गैप तो नहीं है, गोली ज़्यादा घिस तो नहीं गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर गोली बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर ये गोली घिस जाती है तो हमने नई गोली डालना होती है, पर यह गोली बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ भी सफाई करना है इस तरह से। ये देख, फिर हमने यहाँ भी इस तरह से कपड़ा डालना है और हमने यहाँ भी सफाई करना है इस तरह से। ये देखिए, उसके बाद यहाँ भी हमने साफ करना है। अब उसके बाद हमने दोबारा से ये पार्ट लेना है और हमने इसको फिट करना है। तो हमने इस वाले पार्ट को यहाँ से डालना है इस तरह से। ये देखिए,
ये देखें ये वाला हिस्सा है, इसको हमने ऊपर करना है इस तरह से। ये देखिए ये बिल्कुल ऊपर हो चुका है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें हमने इसको इस तरह से रखना है ऊपर को, फिर हमने ये वाला पार्ट लेना है, ये देखें, और हमने इस पार्ट को यहाँ पर लगाना है। तो अब आपने ध्यान देना होगा, जो ये वाला पार्ट है वो इस तरह से ऊपर रहना चाहिए, और इसका जो ये वाला पार्ट है जो गोली वाला हिस्सा है वो नीचे होना चाहिए, और ये वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए। उसके बाद देखिए हमने सेंटर मिलाते हुए इस तरह से लगाना है, उसके बाद हमने यहाँ पर हाथ से पकड़ लेना है इस तरह से, और हमने यहाँ से हथौड़ी मारना है यहाँ से। ये देखें अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सरिया बिल्कुल जाम हो चुकी है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से सरिया को पकड़ कर देखना है। यहाँ बीच में थोड़ी सी पिले होना चाहिए, तो यहाँ तो पिले है नहीं, हमने यहाँ से बराबर ठोक दिया तो यहाँ पिले ख़त्म हो चुकी है। अब हमने क्या करना है दोबारा से, ये देखें हमने दोबारा से सुंबी लेना है और यहाँ लगाना है जहाँ से हमने पहले लगाई थी इस तरह से, फिर यहाँ पर हमने धीरे से हथौड़ी मारना है इस तरह से। ये देखें अब ये देखें आवाज़ आ रही होगी आपको, देखिए पिले हो चुकी है इसमें, ये देखिए थोड़ी सी पिले है ना, ये देखिए ये देखिए। अब हमने क्या करना है यहाँ पर ऑयलिंग कर लेना है, थोड़ा तेल डाल देना है यहाँ पर, और यहाँ भी डालेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हमने सही से ऑयलिंग कर लेनी है, और यहाँ सब में आप ऑयलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पर देखना होगा गोली पे एक साइड में स्टील कलर होता है यानी कि बिल्कुल लाइट कलर होता है, और दूसरी साइड में ब्लैक होता है। ये देखें तो इससे पता ये लगता है जो स्टील कलर है जो लाइट कलर है वो यहाँ पर बीच में इस तरह से लगा हुआ था, यानी कि गोली इस तरह से इसके बीच में फिट थी, ठीक है। उसके बाद हमने इस वाले पार्ट को यहाँ इस तरह से लगाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो ये वाली जगह है ना वो यहाँ फिट होना चाहिए इस तरह से। ये देखें ये देखिए अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो गोली है ना ये गोली हमने यहाँ बीच में फंसाना है इस तरह से। ये देखें तो इस गोली को हमने बीच में फंसा देना है इस तरह से। ये देखिए ये देखिए हम मशीन का व्हील घुमाएंगे और ये वाला पार्ट इस तरह से ये देखिए नीचे को आ चुका है। उसके बाद हमने ये वाला नट टाइट करना है, ये देखिए यहाँ से इस तरह से हमने टाइट करना है इसको। अब यहाँ पर आप पकड़ कर देखेंगे यहाँ पर भी थोड़ी सी पिले होना चाहिए, बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए, अगर ये बिल्कुल टाइट होगा तो आपकी मशीन जाम चलेगी टाइट चलेगी, तो यहाँ पर थोड़ी सी पिले होना चाहिए। ये देखें तो यहाँ पर ये बिल्कुल लूज है टाइट नहीं है। उसके बाद हमने 14-15 नंबर की चाबी लेना है, ये देखें ये टाइट हो गया ना। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है उसके बाद हमने ये वाला पेच लेना है और यहाँ से लगाना है, इसको हम पेचकस की मदद से कस देंगे। ये देखें अब यहाँ भी हमने देख लेना थोड़ी सी पिले होना चाहिए, अगर यहाँ पर थोड़ी पिले नहीं होगी तो आपकी मशीन टाइट चलेगी, तो हमने यहाँ भी थोड़ी सी पिले रखना है। ये देखें उसके बाद हमने ये वाला नट लगा देना है। अब हमने यहाँ पर 10-11 नंबर की चाबी लेना है, फिर उसके बाद हमने यहाँ भी ऑयलिंग कर लेनी है इस तरह से। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये मशीन कितनी मुलायम चल रही है, ये देखें आवाज़ भी नहीं है इसमें। फिर उसके बाद अब जो मशीन की इंपॉर्टेंट और मेन सेटिंग बचती है यानी कि शटल की टाइमिंग किस तरह से मिलाना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले हमने क्या करना होगा, उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना होगा, शटल को कसना होगा। तो देखिए हमने निडल को इस तरह से ऊपर कर देना है बिल्कुल, तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो सुई को बिल्कुल नीचे होना चाहिए यानी कि निडल बिल्कुल नीचे होनी चाहिए। जैसे ही हम निडल को ऊपर उठाएंगे यानी कि व्हील घुमाएंगे, तो जैसे ही हम निडल को ऊपर उठाएंगे तो ये जो शटल की नोक आ रही है, देखें ये शटल की नोक आई ना, तो ये काफ़ी देरी से आगे आ रही है। ये देखें ये जो नोक है इसका मतलब शटल की नोक बहुत ज़्यादा पीछे है, तो हमने इसको आगे लाना है, ठीक है। तो होना ये चाहिए निडल बिल्कुल नीचे हो और जो ये वाली किनार है मशीन का व्हील घुमाते ही यानी कि निडल को ऊपर उठाते ही शटल की नोक यहाँ से सामने आना चाहिए इस तरह से। ये देखें तो हमने इसको कैसे सामने में को लाना है, तो देखिए हमने क्या करना है, हमने इस तरह से व्हील घुमाना है और ये वाला पार्ट नीचे करना है इस तरह से। अब हमने सुंबी लेना है और यहाँ पर सुंबी रखना है इस तरह से, यहाँ पर रखना है इस तरह से, और हमने यहाँ पर हथौड़ी मारना है। अगर सुंबी नहीं रख पा रही तो आप चाबी रख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए चाबी रख करके आप चाबी पर हथौड़ी मार सकते हैं, ये देखिए। तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो निडल नीचे है और शटल की नोक आगे आ चुकी है। देखिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा ठोंक दिया तो शटल की नोक यहाँ पर आगे आ गई, तो ये आगे आना भी ठीक नहीं है। होना ये चाहिए निडल बिल्कुल नीचे हो और शटल की नोक इस किनार से होना चाहिए इस तरह से। जैसे ही हम व्हील घुमाएं तो शटल की नोक इस तरह से सामने में को आए,
तो आप देखिए नेडल उठाने से पहले ही शटल की नोक सामने में को दिख रही है, इसका मतलब नोक अब ज्यादा आगे आ चुकी है, नोक को अब थोड़ा पीछे करना है। तो अभी जो हम ठोक रहे थे वो यहाँ से ठोक रहे थे इस तरह से करने के बाद, क्योंकि हमने शटल की नोक आगे करना थी, पर अब थोड़ी ज्यादा आगे आ गई है तो अब हमने थोड़ी पीछे करना है, तो अब हमने यहाँ से ठोकना है इस तरह से। तो अब यहाँ पर आप शटल की नोक पर ध्यान से देखिए, हमने जैसे ही निडल को बिल्कुल नीचे कर दिया तो जैसे ही हम व्हील घुमाएंगे तो शटल की नोक एकदम से आगे आएगी, ये देखें इस तरह से देख सकते हैं आप, ये देखें तो इस तरह से होना चाहिए। तो यही होना चाहिए, निडल नीचे हो और शटल की नोक यहाँ से आगे भी नहीं होना चाहिए और पीछे भी नहीं होना चाहिए। और निडल नीचे होने के बाद जैसे ही हम निडल को ऊपर उठाएंगे यानी कि व्हील घुमाएंगे, शटल की नोक एकदम सामने में को आना चाहिए, ये देखें। अब शटल की टाइमिंग तो सही हो चुकी है, अब यहाँ पर यह भी चेक कर लेना है शटल और निडल के बीच में कोई गैप तो नहीं है, तो यहाँ पर शटल और निडल के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए और निडल शटल से टकराकर भी नहीं चलना चाहिए। अगर शटल और निडल के बीच में थोड़ा सा गैप है तो आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पर हथौड़ी मारनी है इस तरह से, तो ये गैप खत्म हो जाएगा। अगर सुई शटल से मिलकर चल रही है तो आपने इधर को मार देना है इस तरह से, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। जैसे ही हम निडल को ऊपर उठाएंगे शटल की नोक आगे आ जाएगी, इससे क्या होगा आपकी मशीन धागा भी नहीं तोड़ेगी, टाप भी नहीं करेगी, लच्छा भी नहीं देगी और बिल्कुल सही चलेगी। उसके बाद हमने मशीन के तीत भी लगा देने हैं और प्रेशर फूट भी लगा देना है और निडल प्लेट भी लगा देना है। देखिए दोस्तों हमारी मशीन बिल्कुल सही हो चुकी है, तो पहले आप इसकी आवाज़ पर ध्यान दें, देखिए बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।